बढ़ते हैं कन्नौज की, जहां सेना में भर्ती कराने के नाम पर रुपए वसूलने पर नाराज छात्रों ने कोतवाली में विरोध किया है। बताया जाता है कि कोतवाली बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं। छात्रों का आरोप है कि अखंड हिंद फौज नाम के संगठन द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर 550 रुपए लिए गए और वर्दी के नाम पर 1800 रुपए लेने की तैयारी थी। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर अखंड हिंद फौज संगठन में 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न दिखा पाने के बाद खुलासा हुआ है। यह मामला सदर कोतवाली इलाके का बताया जाता है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है भी आपका? शोभित यादव। शोभित कहाँ के रहने वाले हो? कन्नौज। अभी आप सभी लोग कोतवाली में इकट्ठे हुए थे, क्या मामला था? मामला सर ये था कि अखंड फौज के बारे में हम लोगों को कॉलेज में जाके जानकारी दी गई, तो उसमें बताया गया था कि एनसीसी की तरह इसमें भी लाभ होगा। तब हम लोगों ने सोचा कि जैसे मतलब एनसीसी में लाभ होता है, वैसे इसमें भी हमको लाभ मिल जाएगा। तो बाद में मतलब रेस कराएगी कन्हैयालाल स्कूल में 31 तारीख को। फिर उसके बाद में सोमवार को हमसे लोगों से 500 रुपये पैसे लिए गए। फिर बोला था शनिचर को आना, वो मंदिर है वहाँ कन्हैयालाल के बगल में, कहा था वहाँ पे आना, 1800 रुपये लेके आना। पहले 550 रुपये लिए गए जी, तो हम लोग 1800 रुपये लेके यहाँ से गए। तो वहाँ कुछ पेरेंट्स मतलब आ गए थे बड़े लोग, तो उन लोगों ने इनसे बात की, तब यहाँ वो लोग घबराए, तब ये मतलब बोल नहीं पा रहे थे। तब 112 नंबर लगाया गया, तब कोतवाली से पुलिस गई, तब इन लोगों को यहाँ उठा के लाई। अब यहाँ जो होगा तो देखा जाएगा। आप सभी लोग इकट्ठे हुए थे, पहले 500 रुपये लिए जी, कितने लिए? 550। पहले 550 रुपये लिए, फिर 1800 रुपये आज मांगे थे। किस? अच्छा, तो ये लोग कौन है, करते क्या थे? सर इनका मतलब वो कोई स्टॉप बांगा में बता रहे हैं, बांदा स्टॉप जो है, मतलब इनके पास कोई ओरिजिनल प्रूफ नहीं सरकारी है कि इसके बारे में, अगर कोई कन्नौज का गारंटर बन जाए तो हम लोग पैसे दे सकते हैं। नहीं तो किस बात को पैसे मांगे थे, क्या बोला था इन्होंने आपसे? इन्होंने बोला कि मतलब सब बच्चों को देशभक्ति की मतलब वो कराएंगे, आर्मी ट्रेनिंग कराएंगे। आर्मी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, उसके बचपन से ही देशभक्ति जगाएंगे। मतलब आप लोगों को देशभक्ति के बारे में बताएंगे, जगाएंगे, ये सब कहा था। फिर कॉलेज में जाके ये भी कहा था कि इससे लाभ होगा, एनसीसी की तरह सर्टिफिकेट सी बन के मिलेगा। तब हम लोगों ने सोचा इतना मिलेगा तो कुछ लाभ हो जाएगा। कुल कितने बच्चे होंगे आपके साथ? लगभग 150-200 रुपये। नहीं, कुल कितने बच्चे होंगे? कितने लोग हैं? हाँ, 200 बच्चे हैं।